जेम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारा यूएसपी जो है ड्रोन का, तो उसके लिए हम लोग निकले हैं। वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड वृंदावास। तो वृंदावास जो है वो एक आई थिंक बर्ड सेंचुरी है। तो अभी हम लोग जब जैसे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, बट आपने देखा होगा अब हम साइकिल से चेंज हो गए, हम कार में आ गए थे एंड इसका रीजन यही है कि हम लोग जो है वो बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं पोल्यूशन का। एंड दूसरा हम लोगों ने लास्ट टाइम जो रियलाइज किया कि जो ड्रोन का कवरेज है वो फिर फेडेड आता है बिकॉज ऑफ स्मॉग है उसके कारण। तो इसलिए हम लोग ऐसे टाइम पे निकल रहे हैं जहाँ थोड़ी सी धूप है, सो दैट इवन एट अ हाइट ऑफ अराउंड 60-70 मीटर्स जब ड्रोन को हम लोग चलाएंगे तो एक क्लियर व्यू आएगा। सो पॉसिबली हम लोग आज जो है वो काफी सारे अच्छे ड्रोन शॉट्स, बिकॉज आज वेदर बहुत अच्छा हो गया है फॉर्चुनेटली, तो हमारे जो ड्रोन शॉट्स है वो हम लोग लेंगे। तब तक के लिए हम जरा रास्ता फेयर आउट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहीं एक ऑफ रोड डायरेक्शन में आ गए हैं और अपना गूगल मैप जो है वो यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट अस रास्ते कहां जा रहा है पता नहीं है। एनीवे सो सी यू एंड वेलकम बैक, बाय। Very close to Vrindavas now. Something about Vrindavas which I got to know with my research. So first of all, there is not just one, but there are two a point of attractions. The first one being a bird sanctuary, and the other one is a wildlife sanctuary. The other good part is that अगर आपके पास तरीका है कि आप अपनी cycles board करके अपनी SUV वगैरह में ला सकते हो, तो यहाँ पर एक अंदर ही अंदर ट्रैक है जो अराउंड 10 किलोमीटर के करीब का है, 10 किलोमीटर का है एंड यू विल रियली एंजॉय। प्रेफरेबली यहाँ पर अगर आप सुबह भी आ सकते हो तो भी आ सकते हो, बहुत मजा आएगा बिकॉज पोल्यूशन तो है ही नहीं यहाँ पर, खेती खेत है, अनलेस कोई खेत जला रहा हो तो वो अलग बात है, बट अभी तक तो हमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। रास्ता बहुत ही ब्यूटिफुल है, लेट मी जस्ट पैन एंड शो यू द काइंड ऑफ रोड दैट वी आर ऑन। सो एंड इट्स जस्ट 1 आवर, जस्ट 1 आवर फ्रॉम गुड़गांव। और अभी तो आपको ये दिख रहा है, अभी तो हम लोग जब ड्रोन से आपको व्यू दिखाएंगे, आई एम 100% श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी प्लीजिंग। देयर आर एन नंबर ऑफ बर्ड्स दैट वी हैव सीन माइग्रेटरी, अलग ही व्यू है एकदम, रूरल एरिया। तो जो वृंदावास बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर एक काफी अच्छी लेक भी है और उसके बीच में एक आइलैंड बना हुआ है। 500 मीटर द डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट, वृंदावास बर्ड सेंचुरी। जैसा वरुण ने बताया आपको दिखाएंगे पूरा व्यू, बहुत ही अच्छी जगह है। तो मेरी अपील है कि आप लोग आइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर गाड़ी भी अलाउड है, आप अंदर अपनी गाड़ी ले जाके पूरा 12 किलोमीटर का जो रनवे है उसको यूज कर सकते हैं और इस बर्ड सेंचुरी का लुत्फ उठा सकते हैं। लोग पहुंचते हैं और पहुंच के हम आपको बाकी का बताते हैं। एक बार इसकी व्यू बनाओ। ये देखो हम लोग की गाड़ी रुक चुकी है बिकॉज ऑफ एंड नंदी महाराज है, लगता है हमें जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। Thank you.
सो हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावास एंड ये वृंदावास की लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स अभी हम लोगों ने देखी और जैसे ही हम लोग आए वो भाग गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जिससे पूरा दिल्ली NCR ग्रस्त है, एयर पोल्यूशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, जीरो पोल्यूशन। सो बहुत ही अच्छी जगह है। सो मैं आपको ये पैन करके दिखाता हूँ, दिस इज द लेक। ये एग्जैक्ट यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट है, मतलब आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से आप अपना साइकिल या वॉकिंग कर सकते हो, 10 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। पर हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे आगे, फिर हम आपको बाकी का वीडियो दिखाते हैं। ओके सी यू। तो बिल्कुल पीछे देखिए आप, मेरे आपको दिखाई दे रहा होगा मधुमक्खी का छत्ता, और काफी बड़ा है ये। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग वृंदावास बर्ड सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं, और जिस ट्रैक के बारे में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, उसी ट्रैक के अंदर हम लोग हैं, गाड़ी हमारी जा रही है। बहुत ही अच्छी जगह है, कुछ है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बिल्कुल गाड़ी के आगे एक सांप हम लोगों को दिखाई दिया था कि फोटो कैप्चर करने की कोशिश करी, इतने में वो इस झाड़ी के अंदर जाके जो बिल्कुल दिख रही है मान के छुप गया। वरुण पूरा ढूंढने की फिराक में है, नहीं अब नहीं दिख गया। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर रेप्टाइल हमें स्टार्टिंग में दिख गया है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बिल्कुल गाड़ी के सामने था और अपने सर को उठाए हुए था, बहुत ही अच्छा पोज था। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्लिक नहीं कर पाए, जितना हम गाड़ी से उतरते हैं वो उड़ा इस झाड़ी में जाके छुप गया है। I'm just liking this place a lot. दोस्तों जैसे कि हम लोग वृंदावास सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया है तो यहाँ पे एक वृंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, यहाँ पे इनका नेचुरल इंटरप्रिटेशन सेंटर है जिसके अंदर टाइमिंग है। वरुण ने मुझे इनकी एक मिस्टेक अभी ऑब्जर्व करवाई है, वरुण बताएंगे आप? 5 AM, it should be 5 PM. तो 8 बजे से लेके 5 बजे शाम तक आई थिंक ये ऑपरेशन रहता है। आज बंद है, हम लोग संडे को आए हुए हैं, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पता करके बताएंगे कि एग्जैक्टली टाइमिंग क्या है इसके ओपन होने का।
तो दोस्तों अभी हम लोगों को एक कॉन्ट्रेक्टर मिले हैं जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे जो अंदर म्यूजियम है वो हम लोगों को शो कराएंगे, ये पूरा यहाँ का देख रेख करते हैं। तो फिर टाइमिंग क्या है यहाँ की इस म्यूजियम को खोलने की? 8 से 5 बजे से लेके 5 बजे तक आप इस भिंडावास वाली सेंचुरी में आ सकते हैं। और जो म्यूजियम है उसका जो ओपन का टाइमिंग है वो भी है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का। तो हम म्यूजियम के अंदर जाएंगे, बाकी जो अपडेट है आपको वहीं पे देंगे। So this is the interpretation center for the Vrindavas bird sanctuary. हमारे समीर साहब ऑलरेडी अंदर पहुँच चुके हैं, अपनी पूरी फोटोग्राफी ट्राई कर रहे हैं। एंड लुक एट द सरप्राइजिंग फैक्टर हियर, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू बी सो वेल मेंटेन्ड। ये यहाँ का मेंटेनेंस वगैरह आप ही करते हैं? यहाँ का साफ सफाई वगैरह सब आप करते हैं? अलग है, बड़ा अच्छा किया हुआ है, बहुत ही बड़े किया हुआ है, प्यारी जगह है, बच्चों को लेके आइए, उनको बहुत अच्छी जगह लगेगी है। तो मतलब ये सब हनी हनी हनी। हाँ तो ये देखिए, इसका हमने एक लाइव पीस देखा था अभी, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। आप अपने बच्चों को जरूर लेकर आइए, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव प्लेस फॉर बर्ड्स। एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू सीन हमारा वीडियोज, देयर आर लॉट ऑफ वेटलैंड्स हियर एंड देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेटलैंड। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि क्या थ्रेट्स हैं, ये वेटलैंड स्पीशीज जो भिंडावास के स्पेशल हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। सम हिस्ट्री अंडर कंजर्वेशन एफर्ट्स विच इज़ देयर, दैट इज़ ऑल्सो मैंशन हियर। एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। इट्स आई डोंट नो वाई बट why I've been in Gurgaon for almost 20 years but still हम लोग जो है वो ये चीज़ explain नहीं करी है। तो वरुण मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप इस ट्रिप का क्रेडिट किसको दोगे आप? Of course ये है हमारे explorer, इन्होंने ढूंढा था कि ये कैसी चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों मेरे पास ना काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज थे जगह कि आपको यहाँ पे कुछ भी जाके नहीं मिलेगा, बट सारे के सारे जो रिव्यूज और फीडबैक आपने लोगों से सुने होंगे सब बेकार हैं। यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छी जगह, यू रियली हैव टू कम हियर टू एक्सपीरियंस इट। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें मतलब ये बंद था तो बट हम लोगों ने ना इंक्वायरी करी, उन्होंने बोला कि सर हम खोल देते हैं, बट इनकी बात सही है, ये बंद ही रहना चाहिए, अदरवाइज हर कोई इसमें आता रहेगा तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, बिकॉज हर कोई इनसे अंदर आके फिर क्या, और अंदर इतनी मेहनत से सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो इससे ताला लगा के रखते हैं। तो आप इनके पास जाएँ और इनसे एक रिक्वेस्ट करें तो वो खोल देंगे। वरुण एक इम्पोर्टेंट बात है, सर ने हमें बताया था कि जिस रेप्टाइल को हमने देखा था वो कोबरा है, को हमने देखा था वो कोबरा है। राइट राइट, सो देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड। दिस पर्सन इज सेइंग दैट एक स्नेक ने जो है वो अपना स्किन शेड किया है, प्रॉबेबली जो हमने देखा था सर उसने किया हो, बट आई थिंक वो वाला नहीं होगा बिकॉज वो बहुत छोटा था, बट लेट्स सी, ही इज टेकिंग टू अ प्लेस वेयर the snake has shed the skin. Oh, tiri. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये उसी का है ये फिर, क्योंकि इतना ही साइज था उसका भी, सेम ही है। और आज और वो जो मैंने अभी देखा बहुत ही एकदम शाइनी स्किन थी उसकी, एकदम नया, तो प्रॉब्लम ये पुराना वाला छोड़ के गया। और ये है कोबरा का। आ चुके हैं अब भिंडावास के, और अगर आप देखो मैं पैन करके दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। और मतलब यहाँ पर लोग आए हुए हैं थोड़ा सा अपना, और यहाँ पर वॉच टावर भी है, आ गया है वॉच टावर, हम लोग एक वॉच टावर से ऊपर चढ़ के आपको नज़ारा दिखाते हैं। One hour from Gurgaon, you will be surprised. And again, as our theme goes, the hidden gems. This is one of the hidden gems. Just look at it. It's just so beautiful.
ओके आई एम टर्निंग ऑफ बिकॉज़ आई हैव टू क्लाइम, बाकी ऊपर जाके दिखाता हूं।
का एक हिडन जैम जो भिंडावास के अंदर ही है बर्ड सेंचुरी के अलावा। जैसे ही आप भिंडावास से जो उसकी बर्ड सेंचुरी है वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हाईवे के पास में ये आती है एक नेचुरल लेक। देखिए बहुत ही अच्छा अपकीप हो रखी है यहाँ पे। और वरुण मुझे बोलते हुए गाड़ी खोलने के लिए Mr. Sameer is already there. Look at the place. What a beautiful place. वरुण लगता है कि यहाँ फिश वगैरह होंगी इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर बहुत फिशेज होंगी और बिकॉज ये बहुत ही न्यूट्रिशियस पानी है एक्चुअली देखा जाए फिश के लिए बहुत न्यूट्रिशियस और इसके अंदर तभी आप देखोगे ये बर्ड्स इसलिए आती है बिकॉज यहाँ फिश है। वरुण ये एक बार इसको आप प्लीज दिखाएंगे? ये फ्रेश वाटर स्नेल है। ओके दिखाइए प्लीज। दिस इज अ फ्रेश वाटर स्नेल। बहुत चीजें दिखेंगे आपको आप अगर मतलब तो अगर स्नेल्स इस पानी के अंदर है तो क्या मतलब है इसका? फ्रेश वाटर है इसमें न्यूट्रिशन बहुत है। अच्छा। तो इसमें बहुत सिर्फ फिशेस नहीं आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी लाइव प्लांट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और प्लस बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत अच्छा अगर मेंटेनेंस की बात करें बहुत ही प्रॉपरली अपकीप है इस जगह की। बहुत ही प्यारी जगह है। वरुण का जो है मन उसमें लालच आ गया कि यहाँ पे तो ड्रोन शूट बनता है।
वरुण क्या हुआ आज? So a small tragedy, as you can see, we have lost a piece of our propeller somewhere. Actually हुआ ये कि इसके अंदर बैटरी काम थी, तो एक हम लोगों ने अभी बहुत एक लॉन्ग वीडियो शूट किया, बट उसमें से थोड़ी बैटरी बच गई थी, तो हमने बोला था जरा कार के अंदर, कार के यहाँ पर थोड़ा सा ले लें, इसका जो बचा हुआ जूस है वो यूज कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली वो एकदम ही RTH मोड पे आ गया और वो ऊपर जाने लगा एंड उसको मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया और ऊपर वो झाड़ी पे जाके इसका प्रॉपलर टकराया और टूट गया। पर लैंडिंग काफी अच्छी कराई थी वरुण ने। बट हाँ, मतलब उसमें एक फीचर होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसको कैंसिल करो, अदरवाइज वो RTH जो है अगर आपने सेट किया हुआ है 40 meters, तो ड्रोन अपने आप 40 meters पे ऊपर चले जाता है, तो जब आप छोटे वीडियो क्लिप्स कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसको कैंसिल करना आना पता है होना जरूरी है कि कहाँ से कैंसिल होता है, तो हमने वही किया, कैंसिल वगैरह करके हम लोगों ने नीचे लाया। गुड पार्ट इज आई हैव स्पेयर प्रोपेलर्स, इसके साथ ही आते हैं तो मैं रिप्लेस करूंगा, सो वी आर गुड टू गो, हमारा जो है वो कैंसिल नहीं होगा, शूट हमारा अच्छा हुआ है, कंटिन्यू रहेगा। तो वरुण, इसी से मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा ना, मतलब आई थिंक 10 या 15 मिनट का एक टोटल वीडियो बनाइए, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो ड्रोन लेके आते हैं DJI का। हाँ, मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था YouTube में, किसी लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे हम लोग थोड़ा सा। और आपके पास स्टूडेंट तो है ही, जो लाइक क्योंकि मुझे उड़ाना आता है नहीं, तो एज ए स्टूडेंट मैं यूज कर सकता हूँ और आप मुझे एज ए टीचर गाइड कर सकते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स जो है, जो भी लोग कोई नया DJI Mavic Mini का ड्रोन लेके आ रहे हैं, कोई भी ड्रोन लेके आ रहे हैं, तो उन्हें एक बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो कि ड्रोन को फ्लाई कैसे करना है और किन किन सेफ्टीज का उनको एडहेयर करना है। तो मुझे आशा है कि आप आने वाले वीडियोस के अंदर इसको पक्का एब्सोल्युटली बिल्कुल करेंगे। और गाइस, अब आ चुका है हमारा नाश्ता, जिसके अंदर है दाल मखनी और ये रोटियां। वरुण, आपकी फेवरेट मील आ गई है? दाल फ्राई एंड रोटियां फ्रेश फ्रेश एकदम गरम गरम। तो दोस्तों, भूख बहुत लग रही है, हम लोग फटाफट इसको फिनिश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं भिंडावास का पूरा व्यू। आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग भिंडावास से बाहर निकलते हैं, एक ढाबा आता है श्री श्याम के नाम से, बहुत ही अच्छा ढाबा है और यहाँ पे हमने लंच का लुत्फ उठाया, बहुत ही अच्छा खाना था। और वरुण जो है जैसे 8-9 रोटियां खा चुके हैं और इनकी सेहत का राज भी यही है, देखिए 8-9 रोटी के लिए मुझे अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और यहाँ का जो मेरे को एक चीज बहुत सही लगी वो कि इन्होंने जो दाल फ्राई दी थी, बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब एकदम जैसे वो घर की दाल होती है वैसी मिल गई। और हम लोग सुबह से निकले हुए थे एंड इनिशियली हमारा थॉट था कि हम लोग जल्दी जल्दी कवर करके ख़त्म कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और हम लोग बहुत भूखे थे। और जैसे ही हम यहाँ पर आए, वी लिटरली हॉग एंड बहुत ही अच्छा सेटअप है, छोटा सा जैसे टिपिकल ढाबा होता है, कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं, साइड में खेती खेत हैं, अपना खटिया लगा के और बैठो आराम करो। तो इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, यहाँ पर आओ एंड आप अपना खुद का भी खाना लेकर आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट इधर का खाना ट्राई करो, दिस गाय मेक्स रियली नाइस फूड। सो आई थिंक विद दैट वी रियली एंजॉयड द डे एंड होप दैट द वीडियोस दैट यू हैव सीन, द ड्रोन फुटेज, द एक्साइटमेंट एंड द क्रेजी थिंग्स दैट वी डिड टुडे, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। प्लीज कमेंट, please make sure you, in case if you want to us to go somewhere else also or cover some other place, please ensure comment and please like, share, view, give the link to your friends, just enjoy. दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करने का, और जो भी न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ है हमारे चैनल के अंदर। और इसी के साथ मैं और वरुण साइनिंग ऑफ करते हैं ड्रोन ट्रैवलर से।